सो व्हेन आई वाज इन स्कूल माय टीचर्स ऑलवेज ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा एंड नाउ आई एम एट IIM रोहतक गाइस जस्ट गिव मी अ क्लैपिंग सो वाज इट जस्ट वन स्टेप फॉरवर्ड एंड आई एम एट IIM No, it was a lot of chasing, lot of running, lot of falling, lot of steps backward, lot of forward, and that's how I end up here. My name is Sara Hussain. I'm a food blogger, and as they call me, one of the top food blogger in India. ये मैं नहीं बोलती बाकी सब बोलते हैं सो pollution बहुत है so I'll be coughing a little. Please don't mind. So when I was 19 years old, I had a dream. Now what is a dream? According to Google, a dream is an event that occurs when you are sleeping. But as Dr. APJ Abdul Kalam once said, a dream is something which doesn't let you sleep. So, maine unki baat mani. After a lot of sleepless nights, I am here and I can proudly say, hello guys, welcome to my TEDx talk. So start karte hain. Hamesha meri life itni glamorous nahi thi. When I was in school. I was not well academically, इसलिए मैं IIM में कभी उधर नहीं बैठ पाई I was here. So, when I started in school, I was really weak and my teachers always used to tell me, as I said, कुछ नहीं हो पाएगा They used to make jokes about me, about how dumb can a person be, it's me. And how useless can a person be, that is also me. तब 3 Idiots रिलीज हुई थी I think everybody has seen 3 Idiots. My teachers used to think ये कॉमेडी शो चल रहा है सो दे यूज टेल मी वो घिसा पिटा जोक कि अपना दिमाग बेच दो बहुत अच्छे प्राइस में बिकेगा क्योंकि अनयूज्ड ब्रेन्स है एंड एवरीबडी यूज टू लाफ एट देम उनको लगता था वो आमिर खान है पर इस स्टोर की आमिर खान मैं पहली बता दी तो पर जब मैं बच्ची थी वो लगता था टीचर सही बोलती हैं मे बी आई एम रियली डम और मे बी मेरे पास दिमाग नहीं है जितना मेरे बाकी दोस्तों में जिनके 90 आ रहे हैं 95 आ रहे हैं तो मैंने बिलीव करना शुरू कर दिया बट जो ज्यादा हर्टफुल था ना वो ये था जब पीटीएम होती थी ना पेरेंट टीचर मीटिंग वेयर माय टीचर्स यूज्ड टू टेल माय पेरेंट्स आल्सो मेरे पापा तो आते नहीं थे कि फालतू में बेइज्जती होगी सो मेरी मम्मी आती थी एंड दे यूज्ड टू टेल माय मदर आल्सो द सेम थिंग कि ये अपना दिमाग ही यूज नहीं करती इसके पास तो दिमाग ही नहीं है ये तो 10th भी पास नहीं कर पाएगी एंड माय मदर यूज्ड टू फील कि व्हाट हैव आई डन रॉन्ग कि मेरी अपब्रिंगिंग में या कमी रह गई एंड Slowly, I was the most hopeless child in my whole family. किसी को कुछ हो भी नहीं बचा था कि इससे कुछ हो पाएगा बट फिर भी एज आई एम अ गर्ल मेरे पेरेंट्स को लगा चलो कुछ नहीं हो पाएगा इसकी शादी तो करा ही देंगे हम ठीक है ये गर्ल्स का बैकअप रखते हैं पेरेंट्स अपने माइंड में मेरे तो था अब ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स विलन है ठीक है क्योंकि वो भी देखेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा क्लैरिफिकेशन तो ऐसा नहीं हो विलन है सी मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है बच्चों से या तो बहुत उम्मीदें होती हैं और अगर वो उम्मीदों पे पढ़ाई में नहीं पूरी कर पाए तो उनकी शादी में करना चाहते हैं स्पेशली लड़कियों की क्योंकि यार देखो लड़कियों का क्या होता है इज इक्वल टू घर की इज्जत स्पेशली इन मिडिल क्लास फैमिली तो घर की इज्जत का बोझ तो पूरा मेरे सर पे आ चुका था कि चलो पढ़ाई नहीं होगी शादी करनी पड़ेगी और क्या कर सकते हैं व्हेन आई स्टार्ट कॉलेज मैंने सोचा कि अब मैं पूरी ओवर कॉन्फिडेंट डेस्परेट इंसान बन जाऊंगी एंड आई टुक पार्ट इन एवरीथिंग डांसिंग डिबेटिंग फोटोग्राफी स्कूल में मुझे कभी चांस ही नहीं मिला बिकॉज टीचर्स यूज टू फील कि इससे पढ़ाई नहीं हो रही इससे 1+1 नहीं आता ये डांस क्या करेगी लॉजिक होगा उनका कोई बट आई वॉज फुल शाहरुख खान मोड ऑन इन माई कॉलेज वो होता ना कॉलेज में सब शाहरुख खान ढूंढते हैं लड़कियाँ कि बिल्कुल कुछ कुछ होता है कि तरह गिटार बजाता हुआ मिलेगा मैंने बोला इस कॉलेज का शाहरुख खान भी अब मुझे ही बनना है So I don't know if I was very desperate or I am an attention seeker. मैंने सब में पार्ट लिया and I got selected in everything. Dancing, drama तो तुम देख ही हो कितना है अंदर है ना drama, debate, photography. But I took photography and debating. Photography में मेरी टीचर ने मुझे बोला कि click anything that you love. Now many people लोगों ने ली पत्तों की फोटो फूलों की फोटो मधुमक्खी की फोटो वो थी ना क्लासिक मैंने ली अपने कैंटीन में जाके समोसों की फोटो ओहो बिल्कुल उस पर चटनी डुबो कर खाना मुझे पता है काफी भूख लग गई तो अब मैंने अपना पूरा सब अपना 16 GB का मेमोरी कार्ड भर दिया खाने की फोटो से जो मेरे अन्ना का डोसा मिलता था मिल्क शेक कोल्ड कॉफी इन सब चीजों से
और अब मेरा मेमोरी कार्ड फुल हो गया था। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कुछ करना पड़ेगा, डिलीट तो कर नहीं सकती, तो मास्टर पीस है। तो मैंने सब इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया ताकि मैं डिलीट कर पाऊँ। अब नाम भी सोचना था, तो मैंने जिंगी जेस्ट नाम रखा। आज का मेरा मोस्ट गूगल बात मेरे बारे में मीनिंग ऑफ जिंगी जेस्ट। इसका मीनिंग पता है किसी को? क्योंकि ऐसा कोई मीनिंग है ही नहीं। मुझे पता नहीं था तब पॉपुलर बनेगा, मैं कुछ सोच के रखती, तो मुझे कूल लगा जिंगर बर्गर जैसा, तो मैं सोचा ये रख लेते हैं। इट बेसिकली मीन्स द सेम, इट मीन्स एसेंस, जिंगी एंड जेस्ट, इट्स जस्ट एसेंस एसेंस। अकेडमिकली वीक थी, मैंने पहले बता दिया था इन माई डिफेंस। नाउ माई पेरेंट्स, कमिंग बैक टू देम, दे वर लाइक, पहले तो होपलेस थी, अब बिल्कुल होप खत्म हो चुका था कि इससे शादी कौन करेगा जो इंस्टाग्राम पे लड़की खाना खाती है। हम क्या बताएंगे हमारी लड़की क्या करती है, वो इंस्टाग्राम पे खाना खाती है। सो माय मदर बोल रहा है कि चलो होप खत्म नाउ, पर अब मेरे स्टेप जो है ना फॉरवर्ड ही आने थे, मुझे पता था अब बैकवर्ड नहीं आने। देन आई मेट माय बिजनेस पार्टनर नाउ एंड को फाउंडर सौरभ नागर, हु टोल्ड मी दैट व्हाट यू आर डूइंग यू कैन एक्चुअली मेक मनी बाय इट, बिकॉज मेरे रेस्टोरेंट स्टार्टेड इनवाइटिंग मी कि आप आओ हमारे मेन्यू के लिए आप पिक्चर्स खींच दो, हमें जोमेटो स्विगी पर डालना उसके लिए पिक्चर्स खींच दो, अपने इंस्टाग्राम का आपकी फॉलोइंग है आप उसके लिए खींच दो। मैं फ्री में चले जाया करती थी यार, खाना मिलेगा। अब कॉलेज स्टूडेंट को तुम फ्री में खाना दो, इससे बड़ा क्या हो सकता है किसी के लिए। अब मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलते थे 5-10 हज़ार, मैं बिल्कुल सेट थी कि वाह ये लाइफ चाहिए, फ्री का खाना 5-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, बढ़िया। एंड नाउ सौरभ केम इनटू द पिक्चर एंड वाज लाइक ब्रो व्हाई आरंट यू चार्जिंग मोर। मैंने बोला यार मुझे इनवॉइस बनाना नहीं आता, तो इनवॉइस बनाना नहीं आता इसलिए यू आर नॉट चार्जिंग मोर। सो ही सेड नाउ आई फाउंड सम फाइनली बिजनेस डेवलपमेंट इन माई व्हाट आई वाज डूइंग टिल नाउ वाज जस्ट अ पैशन। सो सौरभ नागर एक्चुअली मेड इट इन अ बिजनेस, ही सेड ओके व्हाट यू आर गुड एट, इट इज आई एम मेकिंग वीडियोस फोटोज एंड व्हाट एवर योर क्रेजी आइडियाज आर डू दैट। अब एडिटिंग वीडियोग्राफी इनवॉइसिंग सारा बोरिंग काम बेसिकली, ये जीएसटी बीएसटी, ओ माय गॉड क्या है यार ये सब, ये एक बच्चे को कैसे समझ आएगा। सो ही सेड ही हैंडल ऑल ऑफ दैट एंड ही लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब। सो वी वर रियली सॉलिड एंड वी स्टार्ट मेकिंग मनी एट द एज ऑफ 19 आई स्टार्टेड, एट द एज ऑफ 23 आई गॉट माई फर्स्ट ओन कार, एट द एज ऑफ 24 आई गॉट माई ओन ऑफिस एंड दैट वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। फैमिली जो मुझे होप खत्म समझ बैठी थी, लास्ट मंथ आई गॉट देम ऑल ऑन अ प्लेन और हम गए दुबई। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम माय फादर एवर वेंट टू एवर सैट इन एन एरोप्लेन एक्चुअली और हैव बीन टू अ 5-star होटल। सो फ्रॉम अ होपलेस टू अ होप खत्म टू अब हम तो बहुत प्राउड हैं। वैसे कभी बोला नहीं होने वाली बात, हम प्राउड हैं। देखो मिडिल क्लास फैमिली में ये बातें बोलते नहीं है पेरेंट्स के, वी आर वेरी हैप्पी विद यू और वी आर प्राउड ऑफ यू, अपने दोस्तों वोस्तों को बोल देंगे, पर शक्ल पे तो धनिया पुदीने का डिफरेंस पता नहीं, आई बड़ी फूड ब्लॉगर तो अभी भी बहुत हार मेरा है ही, पर आई नो डीप डाउन दे आर प्राउड ऑफ मी। सो दिस इज हाउ इट रियली स्टार्टेड एंड फ्यू स्टेप्स फॉरवर्ड एंड अ लॉट ऑफ हर्डल्स। इतना ईजी होता तो मैं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ लेती, पर था नहीं, कभी बीच में सीढ़ियाँ टूटी भी मिलेंगी, कभी मिलेंगी ही नहीं, कभी उस पर कोई बैठा होगा, कभी उस पर पेट्रियार्की बैठी होगी तो कभी कुछ और बैठा होगा, यू हैव टू क्रॉस दैट। अब बस हम एंड करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे ना, ठीक है फिर, लेकिन फिर भी एंड करना पड़ेगा क्योंकि मैं इतना ही स्पीच लेकर लाई हूँ। आई एंडेड बाय अ रियली शॉर्ट पोएम, इट्स बाय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी ना भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। That's right. Thank you guys.